अब आपको एक खबर और बता रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कल दिल्ली बुलाया गया है। जयपुर पहुंच जाएंगे आज रात वो और कल दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत से उनकी शायद फ़ोन पर ही बात हो पाएगी, लेकिन सबसे प्रमुख एजेंडा तो ये है कि जो 85 सचिवों की, प्रदेश सचिवों की नियुक्ति कर दी गई थी कांग्रेस में, उस सचिवों की नियुक्ति की लिस्ट पर रोक लगा दी गई थी वेणुगोपाल के द्वारा। केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव, राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस, ACC ने जो रोक लगाई, उसके बाद जब वो यहाँ आए थे एक शादी में भजनलाल जाटव के यहाँ, उस दिन डोटासरा ने और रंधावा प्रदेश प्रभारी ने मिलकर उनसे बात की थी, उन्हें अपना पक्ष रखा था और कहा था कि जल्दबाजी में कुछ गलती हो गई है, उसे सुधारा जा सकता है, अप्रूवल नहीं ली गई थी, अब आप अप्रूव कर दीजिए। तो इन सबके बायोडाटा लेके, 85 लोगों के बायोडाटा लेके डोटासरा कल दिल्ली जाएंगे। आश्चर्य की बात यह कि बहुत सारे लोगों को नियुक्त करने के 4 या 5 दिन बाद उनसे बायोडाटा मांगा गया। नियुक्ति के बाद जब ये विवाद खड़ा हुआ, रोक लगी, तब फिर उनसे बायोडाटा मांगा के रखा गया ताकि एक फाइल के कागज़ तो पूरे हों, और दिल्ली मांगे, दिल्ली पूछे तो क्या जवाब दें। तो दिल्ली के सवालों का जवाब देने की तैयारी करके गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कल दिल्ली जाने वाले हैं और वहाँ 85 सचिवों की लिस्ट पर कोई फैसला हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा कई जिला अध्यक्ष बदलने जाने का भी प्रस्ताव है, चुनाव के सामने है, 6 महीने रह गए मात्र, उससे भी कम समय, इसलिए जहाँ जिला अध्यक्ष नहीं है या जहाँ के जिला अध्यक्ष मंत्री हैं या 2 पदों पर काम कर रहे हैं, ऐसे मामलों में पूर्णकालिक जिलाध्यक्ष, अकेली नियुक्ति वाला जिलाध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया भी चालू है और इस दृष्टि से भी हो सकता है 2 दिन में फैसले हो जाएं। एक बड़ी बात और, सचिन पायलट इस समय दिल्ली में है, जयराम रमेश से उनकी मुलाकात हो चुकी है, उनकी बातचीत KC वेणुगोपाल से हो चुकी है, राहुल गांधी से अभी मिल नहीं पाए ऐसा मुझे पता लगा है, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी शायद टेलीफोन पर बात हुई है। अगले 1 हफ्ते के भीतर वो नतीजा चाहते हैं कांग्रेस में अपनी रीपोजिशनिंग का। मेरी जानकारी के अनुसार सचिन पायलट ने KC वेणुगोपाल कहा है कि जो कुछ करना है आप इस हफ्ते में कर डालिए और अधिक मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे समर्थक इंतजार नहीं कर सकते, ऐसा संकेत उन्होंने दिया, कहा नहीं संकेत दिया है। तो ये जो पता लगी हमें वो बात है, सचिन पायलट इस 1 हफ्ते में अपनी सारी जद्दोजहद का परिणाम चाहते हैं और आला कमान भी इसे टालते टालते राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बाद लौटने के बाद उनकी सारी जो बातें थी वो सब हो गई पूरी, अब कोई और बात बची नहीं है कि जिसके लिए और टाला जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्पष्ट कर चुके अपना मंतव्य, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं है, कोई और पद, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी पद पहले ठुकरा चुके हैं सचिन पायलट, चुनाव अभियान समिति के संयोजक के पद की बात भी है, क्या होगा उम्मीद की जानी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा वहाँ जा रहे हैं, हो सकता है कि गहलोत 2-3 दिन के दौरे के बाद दिल्ली का एक दौरा करें और उस वक्त ये शनिवार से पहले पहले बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस में फाइनल हो। मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच राजस्थान की कांग्रेस चाक चौबंद होकर अपनी तैयारी कर लेगी चुनाव में लड़ने के लिए, कौन सेनापति होगा, कौन हरावल दस्ते में होगा, कौन पीछे से लड़ेगा, कौन दाएं से लड़ेगा, कौन बाएं से लड़ेगा, ये 1 हफ्ते 10 दिन में तय हो जाने वाला है। इसके बाद फिर प्रत्याशियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी कि उनके लिए सर्वे वगैरह रिपोर्ट्स जो भी आई हैं उनके अंदर जाएंगे, उनमें सोचेंगे, तहकीकात करेंगे। BJP पर फिलहाल हम बात अभी नहीं कर रहे, अभी वहाँ स्थिति स्टैंड स्टिल है। हनुमान बेनीवाल से उन्होंने बातचीत जो शुरू की थी वो कोई आगे नहीं बढ़ी है और मेरे ख्याल से जुलाई के माह में तो 15 अगस्त से पहले कोई आगे बढ़ने की उम्मीद मुझे नहीं लगती। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी CM हैं, JJP जननायक जनता पार्टी के हैं वो, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के बेटे, हरियाणा के डिप्टी CM और BJP से गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, वो आगामी 3 जुलाई को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं, ये सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या करेंगे वो यहाँ कर, ये उस वक्त हम आपको बताएंगे।